नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। ट्रेंट बोल्ट की चर्चा इस वक्त काफ़ी हो रही है क्योंकि ट्रेंट बोल्ट को न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने कॉन्ट्रैक्ट से अलग कर दिया है, जिसके बाद क्योंकि ट्रेंट बोल्ट बड़े गेंदबाज हैं। आपको पता है कि न्यूजीलैंड के एक मैन और बेहतर गेंदबाज हैं, और तेज़ गेंदबाज की अगर बात करते हैं तो ट्रेंट बोल्ट सबसे आगे खड़े हुए नज़र आते हैं। टिम साउदी और ट्रेंट बोल्ट दोनों की जोड़ी न्यूजीलैंड के लिए बहुत कामयाब साबित हुई और दोनों ने शानदार तरीके से विकेट चटकाए हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट की जब भी बात होती है तो दोनों की जोड़ी की बड़ी चर्चा होती है, लेकिन ट्रेंट बोल्ट ने अब अपने आप को क्रिकेट से अलग कर लिया है। जाहिर तौर पर न्यूजीलैंड क्रिकेट ने जिस तरीके से ट्रेंट बोल्ट को एनुअल कॉन्ट्रैक्ट से अलग किया है, उसके बाद अब चर्चा यह शुरू हो गई है कि क्या ट्रेंट बोल्ट का करियर खत्म हो चुका है, क्या ट्रेंट बोल्ट अब कभी दोबारा से न्यूजीलैंड के लिए मैदान पर आएंगे। यह तमाम तरीके की खबरें हैं, लेकिन अब बहुत बड़ी खबर आ रही है कि ट्रेंट बोल्ट का टेस्ट क्रिकेट का जो करियर है वो खत्म हो सकता है। और यह जो बात कही है, ये यान हैरिस ने कही है। उनका कहना कि ट्रेंट बोल्ट का जो करियर है वो जिस तरीके से वो बाहर हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हुए हैं, उसके बाद उनका जो करियर है वो खत्म हो सकता है। वो न्यूजीलैंड के लिए वो शायद अब कभी मैदान पर टेस्ट क्रिकेट में खेलते हुए नजर ना आए। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से न्यूजीलैंड की जोड़ी हुआ करती थी, ट्रेंट बोल्ट और टिम साउदी दोनों होते थे, अब वो गेंदबाजी में धार नजर नहीं आएगी। अब टिम साउदी उस तरीके से बेहतर गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें दूसरे छोर पर ट्रेंट बोल्ट जैसा गेंदबाज नहीं मिलेगा। ये सीधी सीधी सी बात, और जाहिर तौर पर ये बात है भी ठीक, क्योंकि जिस तरीके से दोनों की एक जोड़ी होती थी, दोनों बेहतर गेंदबाजी करते तो विकेट चटकाते थे, अगर एक साथी बिछड़ जाता है तो दूसरे गेंदबाज की गेंदबाजी में वो धार नजर नहीं आती। इसीलिए ये बात बिल्कुल ठीक है कि ट्रेंट बोल्ट के जाने के बाद न्यूजीलैंड की गेंदबाजी कमजोर हो जाएगी। न्यूजीलैंड का जो गेंदबाज है टिम साउदी, वो उस तरीके की गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो ये खबर है कि ट्रेंट बोल्ट का टेस्ट क्रिकेट करियर जो है वो लगभग खत्म हो जाएगा, इससे न्यूजीलैंड क्रिकेट को बहुत बड़ा झटका लगेगा। तो आप लोगों का इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है वास्तव में कि ट्रेंट बोल्ट अब टेस्ट क्रिकेट में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, केवल व्हाइट बॉल क्रिकेट में वो आपको नजर आएंगे? और क्या ट्रेंट बोल्ट का यह फैसला न्यूजीलैंड के लिहाज से ठीक है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।